गाइस, अब मेरा जो स्पेशल स्पीकिंग पीडीएफ है सितंबर टू दिसंबर 2021 वो अवेलेबल हो चुका है। परचेज करने के लिए कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हो। हे गाइस, दिस इज सूरज, वेलकम बैक टू माय चैनल आल्सो सूरज। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो गाइस, आई एम बैक विद न्यू क्यू कार्ड्स। डिस्क्राइब एन आइटम ऑन विच यू स्पेंट मोर देन एक्सपेक्टेड। उस आइटम के बारे में बताइए जिस पर आपने अपने उम्मीद से ज़्यादा खर्च किया, जितना उम्मीद की थी उससे ज़्यादा खर्च हुआ। गाइस, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ न्यू क्यू कार्ड्स एंड ये आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। मैंने विद बुलेट पॉइंट्स एंड एक्सप्लेनेशन आपके साथ शेयर किया है और मेरा पीडीएफ भी अवेलेबल हो चुका है। सभी क्यू कार्ड्स आपको उसमें मिल जाएंगे और इसी वे में प्रिपेयर किए हुए हैं। आगे मूव करते हैं इसके बुलेट पॉइंट्स पर। वट इट इज़, यह क्या है? How much did you spend on it? आपने कितना इस पर खर्च किया? Why you bought it? आपने इसे क्यों खरीदा? And explain why you think you spend more than expected? और explain करें क्यों आपको लगता है कि आपने expected, मतलब कि जितना expect किया उससे ज़्यादा खर्च किया है। So आगे हम इसे explain करेंगे। To be honest, अगर ईमानदारी से कहूँ, I believe in saving and do not spend money on extra things। मैं सेविंग में बिलीव करता हूँ और एक्स्ट्रा थिंग्स पर खर्च नहीं करता हूँ। However, today I would like to talk about such a situation। बट आज मैं उस सिचुएशन की बात करने जा रहा हूँ। When I had to spend more than expected, जब मुझे उम्मीद से ज़्यादा खर्च करना पड़ा। When I got admission in graduation, जब मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन ली। So laptop और computer was necessary to prepare assignments or presentation। तो उस समय जो लैपटॉप या कंप्यूटर ज़रूरी था असाइनमेंट और प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, आई हैडन्ट बोथ लैपटॉप और कंप्यूटर। मेरे पास दोनों ही लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं था। सो आई डिसाइडेड टू बाई एसर लैपटॉप। सो मैंने फैसला किया एसर लैपटॉप लेने का। एंड माई बजट वॉज अप टू 25,000 रुपीज़। और जो मेरा बजट था वो 25,000 रुपीज़ तक का था। एज़ पर माई फ्रेंड रिकमेंडेशन, मेरे फ्रेंड की रिकमेंडेशन पर आई वेंट टू बागली टू परचेज लैपटॉप। मैं बागली गया लैपटॉप परचेज़ करने के लिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ईमानदारी से कहूँ, आई वॉज अट्रैक्टेड बाई ब्यूटीफुल लैपटॉप्स अलॉन्ग विद लेटेस्ट फीचर। मैं वहाँ पर जो ब्यूटीफुल लैपटॉप से अट्रैक्ट हो गया क्योंकि उनमें लेटेस्ट फीचर भी थे। आई लाइक द i3 मॉडल, बट मुझे i3 मॉडल पसंद आया विच वॉज ब्रांडेड बाई एसर, जो कि एसर ब्रांड का था। इट कॉस्ट 29,000 रुपीज़ विच वॉज मोर देन माई बजट। इसकी जो कॉस्ट है वो 29,000 रुपीज़ थी, जो कि मेरे बजट से ज़्यादा थी। However, जबकि I had to purchase that model because of more latest features। मुझे वही लैपटॉप परचेज करना था उस लेटेस्ट फीचर्स होने के कारण, लाइक फिंगरप्रिंट लॉक, ऑटोमेटिक डेटा सेविंग ऑप्शन एंड मैनी मोर। जैसे कि उसमें फिंगरप्रिंट लॉक था, ऑटोमेटिक डेटा सेविंग ऑप्शन थी और भी बहुत कुछ था। सो आई मेड माई डिसीजन टू बाई द सेम एनी। सो मैंने अपना डिसीजन लिया कि मैं यही वाला लैपटॉप खरीदूंगा कैसे भी। देन आई रिक्वेस्टेड माई फादर टू हेल्प मी विद द मनी। तब मैंने अपने फादर से रिक्वेस्ट की मनी के लिए, कुछ पैसों के लिए। सो आई कुड बाय दैट लेटेस्ट मॉडल, ताकि मैं वह लेटेस्ट मॉडल खरीद सकूं। फाइनली आई परचेज दैट मॉडल। आखिर में मैंने वो वाला मॉडल परचेज कर लिया विद द हेल्प ऑफ माय फादर, मेरे फादर की मदद से। ऑल्दो आई हैड टू स्पेंड मोर देन माई एक्सपेक्टेड बजट, चाहे मुझे अपने एक्सपेक्टेड बजट से ज़्यादा खर्च करने पड़े, बट दिस डिसीजन हेल्प मी अलॉट ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन। बट इस फैसले ने मेरी बहुत मदद की मेरी ग्रेजुएशन के दौरान। एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट परचेज। और मैं सच में बहुत खुश हूँ उस परचेज। स्टिल आई यूज़ दिस लैपटॉप फॉर माई वर्क पर्पज़। मैं अभी भी इस लैपटॉप को यूज़ करता हूँ अपने वर्क पर्पज़ के लिए। सो दैट वॉज द टाइम वेन आई स्पेंट मोर देन एक्सपेक्टेड। सो यह उस टाइम की बात है जब मैंने जितना उम्मीद किया सी उससे ज़्यादा खर्च किया। Thank you guys for watching this video. For online and offline classes, you guys can contact our mentioned number and Instagram ID. Don't forget to subscribe and share with your friends. More new cue cards are coming soon, and for old cue cards, find the link in description.